जब से जियो लॉन्च हुआ है उसने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पीछे डंडा किया हुआ है, और पर्टिकुलरली इस समय एयरटेल वालों ने जियो के पीछे डंडा किया हुआ है। अभी रिसेंटली एक डाटा अनाउंस हुआ था जिससे पता चला था कि एयरटेल के ज्यादा एक्टिव यूजर हैं कंपेयर टू जियो। जियो के टोटल यूजर ज्यादा हैं लेकिन एक्टिव यूजर एयरटेल के ज्यादा हैं, जो कि काफी बड़ी बढ़त है। जिस तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था जियो वालों ने लोगों को, लेकिन एयरटेल संभल गया, एयरटेल संभल गया, लेकिन यहाँ पे जियो को दिक्कत हो गई। तो उन्होंने एक तुरंत पैंडेमिक को देखते हुए, अपने अराउंड सिचुएशन को देखते हुए एक ऑफर रिलीज किया लोगों के लिए कि जितने भी जियो फोन यूजर हैं उनको जब तक सारा पैंडेमिक चलता रहेगा, एक दो महीने के लिए नहीं, जब तक सारा पैंडेमिक चलता रहेगा, फ्री 300 मिनट कॉलिंग के लिए फ्री मिलेगा। इससे डेफिनेटली जो जियो फोन वाले हैं उनको थोड़ा मदद मिल जाएगी, जियो फोन वालों को मदद मिलेगी, इसका मतलब जियो को मदद होगी। और ये चीज एयरटेल समझ गया और उसने भी एक प्लान निकाला। उसके जब जियो अनाउंस किया ना, उसके अगले ही दिन एयरटेल ने भी अनाउंस किया एक प्लान। एयरटेल ने बोला कि जितने भी लो इनकम कस्टमर हैं उनके, उनको 49 वाला जो रिचार्ज है वो फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है ना सुनने में, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है कि कैसे एयरटेल वाले आइडेंटिफाई करेंगे कौन लो इनकम कस्टमर है उनके पास, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उनके बैंक डिटेल्स को वो फिच आउट करेंगे। अगर बैंक डिटेल्स को लेंगे तो क्या ये जो प्राइवेसी प्राइवेसी के नाम पे लोग चिल्ला रहे हैं उसको दिक्कत नहीं होगा? क्या इस प्लान को लेने के लिए कोई फॉर्म फिल करना होगा? चलो जो भी होगा बाद में लोग तो बता ही देंगे। वैसे आप बताओ आप कौन सा सिम यूज करते हो, जियो एयरटेल? वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा मुझे पता लगा है, ठीक है। इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, बहुत लोग नहीं दबाते तो नोटिफिकेशन नहीं आते तो दिक्कत हो जाती है। हैव अ गुड डे, हैव ट्यूब, मिलते हैं।